नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल इंस्टेंट जानकारी पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे बोर्ड ट्रेनी की वैकेंसीज के बारे में। टोटल वैकेंसी रहेंगी आपकी 50 वैकेंसी रहेंगी। डिटेल में बात करेंगे कैसे आपको इसको चेक करना है और कैसे इसको अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूँ, कोची मेट्रो ट्रेल में जो वैकेंसी आई है बोर्ड ट्रेनी की, इसके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। ठीक है, इसमें जो वैकेंसी रहेगी बोर्ड ट्रेनी की रहेगी और जिसकी लास्ट डेट 21 मार्च 2023 है। ठीक है, और दोस्तों अगर एज लिमिट की बात कर ली जाए तो वो भी मैक्सिमम एज लिमिट बोर्ड ट्रेनिंग की, यानी बोर्ड ऑपरेशन ट्रेनिंग की 28 ईयर्स रहेगी। ठीक है, अब मैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलता हूँ ताकि आपको ईजिली रहे, तो हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। ये कोची मेट्रो की ऑफिशियल वेबसाइट है, kochimetro.org, जहाँ से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे 3 लाइनिंग दिखाई देंगी आपको, उससे पहले इसको मैं डेस्कटॉप मोड में कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको हल्का कट कर देना, क्रॉस का निशान दिखाई देगा जैसे आप वेबसाइट पे आओगे। वेबसाइट अभी ओपन हो रही है तो आपको यहाँ पे ये क्रॉस का निशान है, इसको यहाँ से कट कर देना है, इसको दोबारा फिर कट कर देना है। और तो हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो चुकी है, तो 3 डॉट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं राइट साइड में। सिंपली आपको 3 डॉट्स पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो नीचे टेंडर्स एंड कैरियर वाला राइट साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। तो कैरियर वाले ऑप्शन पर फिर आप यहाँ पर आ जाओगे, कैरियर पर क्लिक कर देना है। कैरियर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 3rd नंबर पर वैकेंसीज का यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देखोगे, बोट ऑपरेशन ट्रेनिंग की 50 वैकेंसीज है। लास्ट डेट यहाँ पे देख सकते हो 21 मार्च 2023 11:59:59 तक इसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज का नोटिफिकेशन है दोस्तों, यहाँ पे इस पे इसके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे, ये आपको 3rd नंबर पे आपको बोट ऑपरेशन ट्रेनिंग वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, यहाँ पे जो बेट वाटर मेट्रो नीचे पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे नोटिफिकेशन रेफरेंस की में आप नोटिफिकेशन डिटेल चेक कर सकते हो, नोटिफिकेशन डेट देख सकते हो। बोट ऑपरेशन की वैकेंसी रहेंगी आपकी 50, लास्ट डेट अब मैंने बताई दी आपको, 21 मार्च तक अप्लाई कर पाएंगे। स्टेटस है इसका, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अब नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप क्या देख सकते हो वो मैं आपको बताऊँ, आप डिटेल देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। नीचे आना है, थोड़ा पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है, उसके बाद अप्लाई करना। यहाँ पे डिटेल दी है बोट ऑपरेशन ट्रेनिंग की, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज रहेंगी दोस्तों आपकी 50 है। नंबर ऑफ इनटेक, 1 ईयर की ट्रेनिंग रहेगी आपकी मेल एंड फीमेल। इसमें आपको क्या रहेगा, इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है ITI होने चाहिए, 60% मार्क्स इन ITI, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट 3 इज पास आउट ओनली कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने 2020, 2021, 2022 में पास आउट है। एक्सपीरियंस फ्रेशर है। इसमें आपको ओवरऑल ट्रेनिंग इन बोट ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड टर्मिनल ऑपरेटर में दी जाएगी। यहाँ पे आपको जो स्टाइफंड रहेगा पर मंथली, आपको स्टाइफंड मिलेगा पर इंक्लूडिंग सेट्री ESI 9000 रुपये का। मैक्सिमम एज इसमें दोस्तों 28 ईयर्स है। सिलेक्शन प्रोसेस टेस्ट और अटेंड और या इंटरव्यू हो सकता है। यहाँ पे डिटेल अब ले चलते हैं, हमने देख लिया है यहाँ पे नोटिफिकेशन, ऐसे आपको चेक करना है। तो अप्लाई करने के लिए नीचे राइट साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। पहले आपको रजिस्टर करना है, तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट्स वाला एक ऑप्शन आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट्स पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद अपना फॉर्म अप्लाई करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करूंगा वीडियो हमारा पसंद आया होगा और चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।